गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में रिलेशन के बारे में पढ़ रहे थे और रिलेशन में हम लोगों ने रिफ्लेक्सिव रिलेशंस और उसके एग्जांपल्स को देखा था। अब नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे सिमेट्री रिलेशंस और इसके एग्जांपल्स को। तो सिमेट्री रिलेशंस पढ़ने से पहले हम लोग इसका डेफिनेशन जान जाएँ कि व्हाट इज सिमेट्री रिलेशंस। तो डेफिनेशन चूँकि यहाँ भी लिखा हुआ भी है, इसको पढ़ते हैं। अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ ए वन ए टू बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज ए टू ए वन इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर और ऑल ए वन ए टू बिलोंग्स टू ए। मीन्स कि अगर मान लीजिए कि कोई सेट है, जैसे एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझा देते हैं कि मान लीजिए कि सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स 1, 2, 3 है एंड रिलेशन आर है, इसी सेट से एस्टेब्लिश रिलेशन है यहाँ पे 1, 2, 2, 3, 1, 3, 2, 1, 3, 1, 3, 2, 3, 3। तो हम लोग अब इस रिलेशन में देखेंगे कि जैसे ए वन ए टू अगर आर में बिलोंग कर रहा है तो ए टू और ए वन भी आर में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे अब देखिए 1, 2 है, 1, 2 है यहाँ पे, ये आर में बिलोंग कर रहा है, तो हम लोग ये चेक करेंगे कि 2, 1 भी आर में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो 1, 2 है तो देखिए 2, 1 भी इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, 2, 3 है तो 3, 2 भी एग्जिस्ट करना चाहिए। देखिए यहाँ पे 2, 3 है, तो 3, 2 भी आर में बिलोंग कर रहा है, ये जैसा कि हम देख सकते हैं। 1, 3 है तो 3, 1 भी आर में बिलोंग करना चाहिए, जो कि कर रहा है। 1, 3 है तो 3, 1 भी है। ये एलिमेंट ज्यादा है इससे कोई मतलब नहीं है, बस हम लोग को ये ध्यान देना है कि 1, 2 है तो 2, 1 भी होना चाहिए, 2, 3 है तो 3, 2 भी बिलोंग करना चाहिए इसी आर में, और 1, 3 है तो 3, 1 भी इसी आर में बिलोंग करना चाहिए। तो ये जैसा कि क्लियरली लिखा हुआ है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो दिया गया रिलेशन है ये एक सिमेट्रिक रिलेशंस है। तो इस तरीके हम लोग सिमेट्रिक रिलेशंस के कंसेप्ट को पढ़ें और अब इसका कुछ एग्जांपल्स भी है, इसको आगे देखा जाए। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। देखिए जैसे एग्जांपल्स नंबर 2 है, इसको कि हम लोग देख लें। जैसे वही सेट मान लीजिए कि ए है और इसमें एलिमेंट 1, 2, 3 है और इससे एस्टेब्लिश रिलेशन जो है R1 है, और R1 में क्या है, देखिए जो रिलेशन इस सेट से एस्टेब्लिश हुआ है वो क्या है, 1, 2 है, 2, 3 है, 1, 3 है, 2, 1 है। तो इसमें चेक किया जाए, 1, 2 है, बट 1, 2 है और 2, 1 भी एग्जिस्ट करता है। चलिए ये वाला तो सही है कि 1, 2 आर में है तो 2, 1 भी आर में बिलोंग कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 2, 3 आर में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। क्या 3, 2 भी आर में बिलोंग कर रहा है? तो देखिए ऐसा नहीं है, 2, 3 है लेकिन इसमें 3, 2 नहीं है। तो अगर एक भी हम लोग को ऐसा एलिमेंट मिलता है तो हम लोग कह देंगे दिस इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। इसका ये मतलब हुआ कि ए वन ए टू तो आर में बिलोंग कर रहा है बट ए टू ए वन इज नॉट बिलोंग टू आर, फॉर एवरी ए वन ए टू इज बिलोंग टू ए। इसका मतलब ये हुआ कि ए वन ए टू आर में बिलोंग कर रहा है बट सबका ए टू ए वन आर में बिलोंग नहीं कर रहा है, और ये जो ए वन ए टू है ये सेट ए का ही एलिमेंट है, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक रिलेशंस का दूसरा एग्जांपल हो गया। इस तरीके सिमेट्रिक रिलेशंस का डेफिनेशन और इसके दो एग्जांपल्स के साथ हम लोग सिमेट्रिक रिलेशंस के बारे में जाने। देखिए एग्जांपल नंबर 3 भी है सिमेट्रिक रिलेशंस पे ही है। तो हम लोग ये देख लेते हैं कि अब इसमें गिवन सेट देखिए क्या है, ए इज इक्वल टू जेड। जेड मीन्स क्या है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, मतलब जो जो कोई सेट दिया हुआ है ए वो क्या है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स है, मतलब उसमें सभी इंटीजर्स हैं, माइनस निगेटिव भी है, जीरो भी है और प्लस वाला भी है। तो जो रिलेशन इससे स्टिप्लीज है आर वन इक्वल टू, देखिए रिलेशन इस फॉर्म में भी आ सकता है, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में भी रिलेशन आ सकता है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे कि सेट रोस्टर फॉर्म में बना भी सकते हैं और इस तरीके हम लोग देख भी सकते हैं। कैसे, जैसे एक्स वाई है और एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। एक्स माइनस वाई क्या है, एक इंटीजर है। तो अगर हम लोग एक्स और वाई के स्थान पर कोई भी इंटीजर लें, 1, 2 बिलोंग्स टू R1, अगर ये R1 में बिलोंग कर रहा है, कैसे कर रहा है, देखिए एक्स माइनस वाई, जैसे एक्स और वाई है और इसमें ऑपरेशन क्या लगा हुआ है, एक्स माइनस वाई लगा हुआ है। अगर हम एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 2 मानते हैं तो 1 - 2 इक्वल टू क्या होगा, -1 होगा। -1 किसमें होगा, ये एक सेट ऑफ इंटीजर ही तो है, एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर।
मतलब एक्स और वाई का जो डिफरेंस निकालना है ये एक इंटीजर ही आ रहा है, मतलब दिस इज अप्लीकेबल फॉर दिस सेट्स। अब देखिए 2 1 बिलोंग कर रहा है कि नहीं आर में, तो 2 -1 कीजिए, एक्स और वाई है, एक्स की वैल्यू 2 वाई की वैल्यू 1। अब देखिए एक्स माइनस वाई कीजिए, क्या वो एक इंटीजर आ रहा है ये देखना है हम लोग को। तो 2 -1 इक्वल टू 1, यस 1 इज ऑल्सो द इंटीजर, 1 इंटीजर ही है। अगर हम लोग एक्स माइनस वाई इस केस में करें या इस केस में एक्स वाई एक्स माइनस वाई करें, तो दोनों केस में इंटीजर आ रहा है, दोनों इस सेट को इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 1 2 जो है वो आर में बिलोंग कर रहा है और 2 1 भी आर में बिलोंग करेगा। इस तरीके अगर हम लोग मान लीजिए कि दूसरा नंबर ले लें 2 और 3 ले लें, तो देखिए क्या 2 -3 करिए, 2 -3 करेंगे तो -1 होगा, तो -1 भी तो एक इंटीजर है। एंड 3 और 2 अगर मान लीजिए ले लें और 3 -2 करें, ये 3 -2 इस हिसाब से करें इसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ 1 इज ऑल्सो द इंटीजर, मीन्स दिस इज ट्रू फॉर दिस रिलेशंस। मतलब ये हम लोग कह सकते हैं कि 2 3 आर में बिलोंग कर रहा है तो R1 में, तो 3 2 भी R1 में बिलोंग कर रहा है। तो इस तरीके हम लोग ये लिख सकते हैं कि A1 A2 आर में बिलोंग कर रहा है तो A2 A1 भी आर में बिलोंग करेगा फॉर दिस गिवन कंडीशन, फॉर एवरी A1 A2 इज बिलोंग टू A। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो दिया गया रिलेशन है R1 x माइनस वाई इज एन इंटीजर, दिस इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। आई होप आप लोग सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में बिल्कुल समझ गए होंगे। देखिए ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हो गया, रिलेशन आर ए ट्रांजिटिव। हाँ, अब हम लोग को जो देखिए नेक्स्ट रिलेशन के बारे में पढ़ना था, वो कौन से रिलेशन के बारे में पढ़ना था, तो उसका नाम है ट्रांजिटिव रिलेशन। पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव पढ़े, फिर सिमेट्रिक पढ़े, और अब हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में जानेंगे। तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन है और इसको हम लोग देख लेते हैं और इसका डेफिनेशन और विथ एग्जाम्पल, जैसे हम लोग रिफ्लेक्सिव का सिमेट्रिक का डेफिनेशन विथ एग्जाम्पल्स देखें, इसका भी ट्रांजिटिव का भी हम लोग डेफिनेशन विथ एग्जाम्पल देख लें। तो ये ट्रांजिटिव रिलेशंस का डेफिनेशन है, अ रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर विच इम्प्लॉय दैट एक्स जेड आई इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि कोई रिलेशन दिया हुआ है और एक्स वाई अगर आर में बिलोंग कर रहा है और वाई और जेड अगर ये आर में बिलोंग कर रहा है, तो एक्स विच इम्प्लॉय दैट एक्स और जेड भी आर में बिलोंग करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि अगर मान लीजिए कि एक एग्जांपल ले लें कि 1 और 2 किसी रिलेशन आर में है और 2 और 3 का रिलेशन अगर इसी आर में एग्जिस्ट करता है, तो 1 और 3 भी इसी आर में एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर ऐसा है तो जो दिया गया रिलेशन है वो हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन है, अदरवाइज नहीं है। तो इसका हम लोग एक एग्जाम्पल से देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है फॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर वाई जेड बिलोंग्स टू आर वी हैव 3x - y इक्वल टू 0 इम्प्लाय वाई इक्वल टू 3x एंड 3y - z इक्वल टू 0 इम्प्लाय जेड इक्वल टू 3y। वी नीड टू चेक इफ एक्स जेड इज बिलोंग्स टू आर देन 3x - z इज ऑल्सो बराबर 0। तो हम लोग ये चेक करेंगे कि अगर मान लीजिए कि 3x - y इज इक्वल टू 0 एंड वाई इज इक्वल टू 3x, अगर 3x - y अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो 3y - z भी अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो 3x - z भी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो द रिलेशन आर डिफाइंड बाई 3x - y इक्वल टू 0 ऑन द सेट ए 1 2 3 इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। तो ये जो दिया गया रिलेशन है ये नहीं रिफ्लेक्सिव है, नहीं सिमेट्रिक है, नहीं ट्रांजिटिव है। इस तरीके हम लोग ये एग्जाम्पल को देख सकते हैं। अब देखिए जैसे ये आप लोग के सामने एक क्वेश्चन है, इसको अब हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं है। तो ट्रांजिटिव रिलेशंस के बारे में अभी हम लोग पढ़े कि अगर मान लीजिए कि एक्स वाई इज बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड इज बिलोंग्स टू आर,
देन एक्स जेड इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए पहले इसमें सेट क्या दिया हुआ है, सेट ए है और इसका एलिमेंट जो क्या दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ है, और जो इससे एक्सट्री रिलेशन है वो क्या दिया है एक्स वाई, वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। तो अब हम लोग चेक करेंगे कि क्या एक्स वाई, वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, ये रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं। ये क्वेश्चन यहाँ पे सिमेट्रिक का है, डिटरमाइन इफ द रिलेशन इज सिमेट्रिक और नॉट। तो ये सिमेट्रिक का क्वेश्चन है, ट्रांजिटिव का भी हम लोग इसके आगे क्वेश्चन देख लेंगे। तो सिमेट्रिक का क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देखिए करते हैं, एक्स और वाई यहां पर y की ऐसी वैल्यू रखनी है जो x से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए, y इज डिविजिबल बाई x। यहां 4 रख दें और यहां 2 रख दें, तो 4 इज डिविजिबल बाई 2, ठीक है 4 डिवाइड बाई 2 पूरा पूरा कट जाएगा, 4 इज डिविजिबल बाई 2 इज बिलोंग टू r, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब देखिए 2 और 4 तो इस रिलेशन में है, बट हम लोग ये चेक करेंगे क्या 4 और 2 इज बिलोंग टू r। देखिए इज 2 इज डिविजिबल बाई 4 मीन्स y इज डिविजिबल बाई x, y के स्थान पे क्या है 2, तो 2 क्या 4 से डिविजिबल है, तो बताइए 2 4 से डिविजिबल है तो ये नहीं है, तो ये क्या होगा 4 इज नॉट डिविजिबल बाई 2, सॉरी 2 इज नॉट डिविजिबल बाई 4, मतलब 2 4 r में बिलोंग कर रहा है लेकिन 4 और 2 r में बिलोंग नहीं करेगा। तो ये जो रिलेशन दिया गया रिलेशन है ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, नॉट सिमेट्रिक। इस तरीके हम लोग और भी वैल्यू रख के चेक कर सकते हैं, जैसे यहाँ 9 रख दें और यहाँ 3 रख दें, 9 इज डिविजिबल बाई 3, और यहाँ 9 रख दें यहाँ 3 रख दें, क्या 3 इज डिविजिबल बाई 9, 3 9 से डिविजिबल है, तो ऐसा नहीं है, तो दिया गया रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। तो इसको नोट डाउन करिए और फिर हम देखते हैं। तो इस दिए गए रिलेशन को हम लोग ये चेक कर लिए सिमेट्रिक है कि नहीं। अब इसी दिए गए रिलेशन को हम लोग ये चेक कर लें कि इज इट ट्रांजिटिव आर नॉट। तो हम लोग इसको इरेज कर दें पहले। देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में आप जानते हैं कि अगर कंडीशन क्या होता है ट्रांजिटिव रिलेशन का, इफ ए वन ए टू इज बिलोंग टू आर एंड ए टू ए थ्री इज बिलोंग टू आर, विच इम्प्लॉय दैट ए वन ए थ्री इज ऑल्सो बिलोंग टू आर। तो हम लोग इस दिए गए कंडीशन के हिसाब से चेक करते हैं कि क्या ये जो दिया गया रिलेशन है ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर मान लीजिए कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सिमेट्रिक के बारे में हम लोग जान गए कि जो दिया गया रिलेशन है वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे 2 और 4 रख रहे थे तो 4 इज डिविजिबल बाई 2 बट 2 इज नॉट डिविजिबल बाई 4, सो दैट गिवन रिलेशन इज नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन। अब हम लोग इसी रिलेशन को ये जानेंगे कि ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं। तो ट्रांजिटिव रिलेशन की का कंडीशन जो मैंने ये बता दिया, अब हम लोग रख के चेक करते हैं इसी में से कोई वैल्यू रखेंगे। वन टू बिलोंग्स टू आर, देखिए एक्स की वैल्यू 1 ले लीजिए, वाई की वैल्यू 2 रख लीजिए, 2 ले लीजिए, इसी सेट से लेना है आप लोग को, एक्स की वैल्यू 1 वाई की वैल्यू 2। अब देखिए क्या वाई इज डिविजिबल बाई एक्स लिखा हुआ है, मींस 2 इज डिविजिबल बाई 1, देन दिस इज ट्रू, एनी नंबर इज डिविजिबल बाई 1, तो 2 1 से डिविजिबल है, तो ये क्या है, ये सही है, ये आर में बिलोंग कर रहा है। अब ये देखिए क्या 2 और 4 आर में बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा, देखिए चेक कर लेते हैं। y की वैल्यू क्या है 4 है और x की वैल्यू 2 है, क्या 4 2 से डिविजिबल है, तो यस 4 इज डिविजिबल बाई 2, मींस दिस इज आल्सो ट्रू फॉर दिस गिवन रिलेशन। अब हम लोग ये चेक करेंगे कि 1 और 4 इज बिलोंग्स टू r आर नॉट। देखिए 4 भी 1 से डिविजिबल है तो सही है, मतलब ये 1 2 r में बिलोंग कर रहा है, 2 4 r में बिलोंग कर रहा है, तो 1 4 r में बिलोंग करना चाहिए कि करना चाहिए, तो जी ये सही है, 1 4 मींस 4 इज डिविजिबल बाई 1 इज ऑल्सो बिलोंग टू आर। तो ये कंडीशन जो है ये तीनों कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है,
तो इस तरीके हम लोग कह सकते हैं कि जो दिया गया रिलेशन है वो एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो इसमें हम लोग क्या कमेंट लिख सकते हैं, दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन। दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशंस। तो आई होप ये एग्जांपल आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं और ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो सिमेट्रिक रिलेशन तो नहीं है बट ये ट्रांजिटिव है। कोई भी एक रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव भी हो सकता है, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव नहीं हो सकता, या तीनों हो सकता है या कोई या तीनों में से कोई एक हो सकता है। तो ट्रांजिटिव रिलेशंस का देखिए जैसा कि यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है, आर इज ट्रांजिटिव इफ ऑल एक्स वाई जेड इन ए वेन एवर एक्स वाई इन आर एंड वाई जेड इन आर देन एक्स जेड इन आर। मीन्स अभी जो मैंने पीछे बताया कि एक्स वाई अगर आर में बिलोंग कर रहा है और वाई जेड अगर आर में बिलोंग कर रहा है तो एक्स जेड भी आर में बिलोंग करना चाहिए। तो ये एक छोटा सा डेफिनेशन है ट्रांजिटिव रिलेशंस का जो कि आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। फॉर द पेयर इन आर 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 2 2 4 2 6 3 4, ये कुछ एग्जांपल्स इसके दिए हुए हैं। ये आप लोग देख के बता सकते हैं कि ये कौन सा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है। वेरीफाइड ट्रांजिटिविटी, अब इसमें से देखिए कई ढेर सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप लोग इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं और बता सकते हैं कि जो दिया गया रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो जैसे देख लेते हैं, इसी को पढ़ लेते हैं। फॉर वन वन वाई पेयर्स इफ वाई इन ए ए डिविजिबल बाई वन सो दैट वन वाई एंड वाई जेड आर इन ए देन वन जेड इज ऑल्सो इन आर, दिस वर्क्स। तो ये वर्क कर रहा है। आप लोग अब सब कुछ उसका डेफिनेशन जानते हैं, उसका कुछ एग्जाम्पल्स आप लोग किए हुए हैं। अब इस तरीके आप लोग, आई होप आप लोग रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के बारे में अच्छे से जान गए होंगे। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर दिस क्लास। और हम लोग अब जो नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे वो हम लोग फंक्शन का लेकर आएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शन के बारे में क्या पढ़ेंगे, जैसे कि फंक्शन क्या होता है, डिफाइन फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन। वैसे तो देखिए डेफिनेशन ऑफ फंक्शन हम लोग क्लास 11th में भी ही पढ़ लिए थे। तो जो क्लास 12th का बेसिकली जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन में एक्चुअली है क्या, जो क्लास 12th लेवल पर है, वन वन फंक्शन है, मेनी वन फंक्शन है, ऑन टू है, इन टू है, और उस पर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं कि जो दिया गया फंक्शन है वो वन वन है कि नहीं, ऑन टू है कि नहीं, सर्जेक्टिव है कि नहीं, बाइजेक्टिव है कि नहीं। तो ये सारे के बारे में हम लोग बारी बारी से करके पूरा थ्रू पीपीटी लेकर आएंगे और विथ एग्जांपल, डेफिनेशन विथ एग्जांपल हर एक क्वेश्चन के साथ हम लोग देखेंगे और यहीं पे सारा क्वेश्चन बुक का सॉल्व किया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।